सिल्वाडी, कैसे आप लोग? स्वागत है आपका एक और गेम प्ले वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग फिर से खेलने जा रहे हैं कार पार्किंग मल्टीप्लेयर। और गाइस, जैसा कि आप लोगों को याद ही होगा, हमने पिछली वीडियो में खरीदी थी ये थार, जैसा कि आप लोग देख ही सकते हो भाई कितनी ज्यादा मैंने इसको मॉडिफाई किया था और स्पीड वगैरह इसकी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन है तो ये ऑफ रोडिंग के लिए ही, तो मैं इस पर ऑफ रोडिंग अभी कर रहा हूँ, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। फिलहाल पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि इसकी प्रॉपर स्पीड वगैरह कितनी है, और अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो उसे भी जाके चेकआउट कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार वीडियो थी। लेकिन बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में, तो आज की वीडियो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग एक नई गाड़ी को अनलॉक करने वाले हैं, परचेज करने वाले हैं, जो कि मैं अभी आप लोगों को थोड़ी देर में दिखाऊंगा। और सबसे पहले आप लोग देख सकते हो मेरी थार यार कितनी प्यारी लग रही है। सबकी ड्रीम कार होती है थार, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, अगर आप इंडिया से हो तो आपकी ड्रीम कार ऑलरेडी थार होगी होगी। लेकिन यार छोड़ो इसको, सबसे पहले हम चलते हैं अपने मेन्यू में, और मेन्यू में जाके मैं आप लोगों को अपने गैराज में जाके दिखाता हूँ कि आज हम कौन सी गाड़ी को अनलॉक करने वाले हैं। राइट, तो सबसे पहले मैं कहाँ से देखते थे गाड़ी, मैं तो भाई भूल जाता हूँ इस गेम में बार बार। ओके, शायद गैराज में जाके मिलती है, हर गैराज में जाके न्यू कार्स में जाके ये मिल जाती है। और गाइस, जैसा कि आप लोग मेरे पैसों की तरफ देख सकते हो, भाई तुम्हारे भाई के पास कितना पैसा आ चुका है, इसमें 6 लाख रुपये मैंने कमा लिए हैं, 6 लाख डॉलर जो भी कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को गाड़ी दिखा देता हूँ कि आज हम कौन सी गाड़ी को अनलॉक करने वाले हैं। भाई इसमें बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, जैसा कि आप लोग देख ही सकते हो, गाड़ियों की तो कोई कमी नहीं है इस गेम में। और रुको रुको, आ गई, हाँ, तो आज हम अनलॉक करने वाले हैं सुप्रा MK4 को। और भाई देखने में यार कितनी प्यारी लग रही है, और ये मेरी दूसरी गाड़ी होने वाली है थार के बाद, इसमें मैं जो अनलॉक करने वाला हूँ। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि मुझे और गाड़ी कौन सी अनलॉक करनी चाहिए, लेकिन आज तो हम इसको अनलॉक करने वाले हैं, जैसा कि आप लोग देख ही सकते हो। लेट्स गो, तो ये यहाँ पे अनलॉक हो चुकी है, यहाँ पे हमारी सुप्रा MK4 इस गेम में आ चुकी है मेरे पास, और इसको हम थोड़ा बहुत ट्यून वगैरह भी करवाएंगे। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले इसकी हम स्पीड चेक करते हैं ट्यूनिंग करवाने से पहले, फिर हम ट्यून करवाने के बाद इसकी स्पीड चेक करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा ना कि ट्यून कराने के बाद कितना इसमें परफॉर्मेंस में बूस्ट आया है। तो सबसे पहले हम जल्दी से, अबे पार्किंग में क्यों आ गया, सबसे पहले हम इसको हाईवे पर लेके चलते हैं और इसकी स्पीड वगैरह चेक करते हैं, स्टॉक में गाड़ी कितने तक ये पहुँचाएगी हमको, उसके बाद ही पता चलेगा ना कि हमारी ट्यूनिंग वगैरह से कितना इस गाड़ी में फ़र्क पड़ने वाला। और भाई साहब, सुप्रा MK4 की यार बात ही अलग है यार, बहुत मतलब बहुत लोग होंगे जिनको सुप्रा MK5 से ज़्यादा सुप्रा MK4 पसंद होगी, उन लोगों में से मैं भी हूँ भाई, सुप्रा MK5 से ज़्यादा पसंद है मुझे सुप्रा MK4। और मैं ये हर गेम में बता चुका हूँ आप लोगों को कि मुझे ये कितनी ज़्यादा पसंद है ये गाड़ी। सबसे पहले हम हाईवे पर चलते हैं भाई, इस गाड़ी की बात ही अलग है यार, कुछ भी कहो इस गाड़ी की बात बिल्कुल ही अलग है। अब स्पीडोमीटर कितना है, अरे मैं भूल जाता हूँ बार बार, इस गेम का स्पीडोमीटर नीचे है, मैं ऊपर देख रहा होता हूँ। ओके, 100 तो ये गाड़ी आराम से टच कर रही है भाई, इस गाड़ी का एकदम एक्सीलरेशन आप लोग ध्यान से देखो, इसका पिकअप यार कुछ ज़्यादा ही तेज़ है। और इसको ट्यून कराने के बाद तो इसका पिकअप और ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। सबसे पहले मैं हाईवे पर लेके जाता हूँ। ओके, सो आप लोग स्पीडोमीटर पर ध्यान देना, वैसे इतनी भी फास्ट नहीं है इसके, इतनी भी तेज़ नहीं जाने वाली जिसको संभालना पड़े, लेकिन फिर भी देखते हैं कि कितना ज़्यादा फास्ट जाने वाली है। ओके, 200 तो ये पहुंच जाएगी इजीली मेरे हिसाब से, हाँ 200 ये पहुंच जाएगी। ओके, स्टॉप में गाड़ी 200 जा रही है, और देखते हैं इससे और ज़्यादा कितना जाती है ये, 250 तक शायद जाएगी ये मेरे हिसाब से, हाँ 250 तक चली जाएगी, 230 जा चुकी है, 250, हाँ 250 पहुंच जाएगी भाई जिस हिसाब से ये जा रही है अभी, बस रास्ते में कोई मोड़ ना आ जाए वरना दिक्कत हो जाएगी। ओके, 250 गाइस ये गाड़ी पहुंच चुकी है स्टॉक में, देख रहे हो आप लोग, भाई पावर तो है यार सुप्रा MK4 में, सुप्रा MK4 को आप हल्के में नहीं ले सकते हो। ट्यून कराने के बाद मेरे हिसाब से, अबे नहीं यार ये लैग वैग हो जाता है ना, लैग के चक्कर में पूरी डायरेक्शन वगैरह बदल जाती है गाड़ियों की, कोई बात नहीं है, 250 से ज़्यादा मतलब 300 ये नहीं पहुँच पाएगी, लेकिन फिर हम ट्यूनिंग वगैरह करवा के इसकी देखते हैं कि कितने तक पहुँच पाती है। अभी जल्दी से इसको लेके चलते हैं अपने गैराज में, फिर वहाँ पे ट्यून व्यून करवाते हैं और देखते हैं थोड़ा बहुत। मेरे पास पैसे अभी बहुत सारे हैं जैसा कि आप लोग देख सकते हो, एकदम खतरनाक वाली ट्यूनिंग में करवाने वाला हूँ। ये क्या कर दिया मैंने, अबे ये कहाँ आ गए यार, हम वर्ल्ड सेल पे चला गया था मैं गलती से। ओके, तो इंटीरियर इसमें है नहीं, तो सबसे पहले इंटीरियर डाउनलोड कर लेते हैं, क्योंकि इंटीरियर के बिना गाड़ी कैसी लगती है आप लोगों को पता ही है। और यहाँ पे इंटीरियर भी मैं डाउनलोड कर चुका हूँ, अब जल्दी से इसको ट्यून व्यून करवाते हैं। तो मेरे पास पैसे तो बहुत सारे हैं, तो मैंने ये पैसे सबसे पहले तो V10 इंजन या फिर V10 इंजन के लिए यहाँ पे पैसे सेव किए थे, तो मैं इस पर V10 इंजन लगाऊँ या V12 पे, देखो पैसे बहुत सारे, तो मैं सोच रहा हूँ V12 इंजन लगवा लेता हूँ, गाड़ी बहुत खतरनाक हो जाएगी इससे। तो V12 इंजन इसमें मैंने लगवा लिया गाइस, भाई बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस में इसमें बूस्ट आने वाला है। और भाई इसमें यार चीज़ें इतनी महंगी महंगी क्यों है,
रुको मैं ट्विन टर्बो लगवा लेता हूँ। मैं सोचा था ट्रिपल टर्बो लगाने के, लेकिन ट्विन टर्बो लगाना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा, और स्पोर्ट्स टायर इसमें लगवा लेते हैं, और क्या क्या भाई, एग्जॉस्ट शॉर्ट भी इसमें लगवा लेते हैं, और इंटरकूलर, फास्ट गियर बॉक्स, ब्रेक, ECU ट्यूनिंग सब कुछ लगवा लेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हम। और बाकी का क्या रह गया, और तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं रह गया, पैसे भी मेरे पास अभी बहुत बचे हैं, तो इसमें एक्सटीरियर पे थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं। ओके, मुझे गियर बॉक्स वगैरह अभी सेट करना आता नहीं है, तो वो मैं सेट नहीं, और यहाँ पे ग्लॉसीनेस थोड़ी बहुत बढ़ाएंगे तभी गाड़ी में मज़ा आएगा। ग्लॉसीनेस मैंने बढ़ा दिया, और कलर वलर, कलर यही सही है या फिर थोड़ा बदलूँ मैं, वाइट में रखूँ या फिर ब्लैक, या कलर तो ऑरेंज ही सही था मेरे हिसाब से, तो कलर ऑरेंज ही करवा लेते हैं इसमें दोबारा से। ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना इतना हार्ड क्यों, हाँ हाँ ये आ गया। ओके, तो गाड़ी अब ठीक ठाक लग रही है, शाइनीनेस बनाने के बाद और अच्छी लगती है गाड़ियाँ, मैं हर गाड़ी में करवाता ही हूँ जैसा कि आप लोगों को पता होगा। और यहाँ पे हमारी सुप्रा MK4 यार बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रही है, और थोड़े बहुत, अरे हाँ इसमें ये भी तो हम एक्सटीरियर में ये भी तो चेंज करवा सकते हैं ना, बाकी की हाँ ये सब कुछ भी तो लगवा सकते हैं, तो ये भी लगवा लेते हैं। ओके, तो देखते हैं ये वाला कैसा है भाई, ये सबसे प्यारा लग रहा है, लेकिन ज़्यादा ही कुछ ऊँचा है, इसको नहीं, ये वाला भी ठीक लग रहा है, ये वाला तो भाई ओजी है, ये तो लगता ही लगता है, लेकिन अभी हम इसको नहीं लगवाने वाले हैं, अभी हम थोड़ी अलग लगवाने, क्योंकि मैंने एक बार भी ऐसा स्पॉइलर नहीं लगवाया इसमें, स्पॉइलर ही कहते हैं ना इसको, क्या कहते हैं। ओके, इसको लगवा लेते हैं, ये अच्छा लग रहा है देखने में। ओके, इसको लगवा लेते हैं, और फ्रंट पे चलते हैं थोड़ा बहुत, भाई फ्रंट यार ये तो अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, यार ये अच्छा लग रहा है ना, इसको लगवाना चाहिए। ओके, अब चलते हैं थोड़ा पीछे की तरफ, बैक में भी देखते हैं, बैक में यार ये ठीक लग रहा है ना, इसको लगवा लेते हैं बैक में, और साइड में चलते हैं, अब साइड में यार ये अच्छा लग रहा है। ओके, साइड में इसे लगा लेते हैं, और फ्रंट, फ्रंट में ये अच्छा है भाई, ये मैंने देखा है, ये मैंने ड्राइव जोन ऑनलाइन में देखा है, ये अच्छा लगता है, तो इसको लगवा लेते हैं फ्रंट में, और इसको लगवाएं कि नहीं यार, इससे ना गाड़ी ज़्यादा अच्छी भी खास नहीं लगती, तो इसको नहीं लगवा रहे हम, इसको लगवा लेते हैं, नहीं इसको भी नहीं लगवा रही, इनसे गाड़ी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है कोई, इसको लगा के देखते हैं। हाँ ये अच्छा लग रहा है, थोड़ा लग रहा है कि नहीं, अरे गाड़ी ढंग से घूमती क्यों नहीं है, नहीं यार ये इतना अच्छा नहीं लग रहा, हाँ ये अच्छा लग रहा है, इसको लगवा लेते हैं। ओके, सो मैंने यहाँ पे गाड़ी को पूरा मॉडिफाई करवा लिया, और गाड़ी अपने हिसाब से बहुत ही प्यारी लग रही है अब देखने में, तो जल्दी से इसको चलाकर भी देखते हैं, थोड़ा बहुत सस्पेंशन वगैरह इसका, नहीं मैं इससे छेड़छाड़ नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि सस्पेंशन वगैरह से थोड़ी बहुत गड़बड़ी भी हो जाती है, अभी हम इसको ऐसे ही चलाकर देखते हैं, जल्दी से हाईवे पर ले जाते हैं, और देखते हैं कि इसकी टॉप स्पीड अब कितनी होने वाली है ट्यून कराने के बाद, भाई मज़ा आने वाला है सच में, क्योंकि मैंने इसमें पहली बार मैंने इस गेम में V12 इंजन लगवाया भाई, देख रहे हो आप लोग एक्सेलरेशन देख रहे हो गाड़ी का भाई साहब, तो इसको जल्दी से बाहर ले जा रहे हो यार, मुझे तो अब बिल्कुल वेट नहीं हो रहा है इसकी टॉप स्पीड चेक करने का, क्योंकि भाई एक्सेलरेशन तो बहुत खतरनाक दे रही है गाड़ी, मज़ा आने वाला है भाई, देखो 100 तो पार ऐसी जा रही है गाड़ी, रुको मुझे हल्के से ले जाना पड़ेगा वरना गाड़ी बहुत ठुकने वाली है। ओके, तो ये हम हाईवे पे तो आ चुके हैं, अब यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं, गाड़ी को सबसे पहले रोकते हैं, भाई ब्रेक भी देख रहे हो कितना हैवी लगा रही है। ओके, यहाँ से पहले सबसे पहले मैं मैप चेक कर लेता हूँ, मुझे पीछे जाना चाहिए या आगे जाना चाहिए, या मेरे हिसाब से ना सबसे पहले मुझे यहाँ पे जाना चाहिए पीछे की तरफ, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट करूँगा ना तभी सही बनेगा, तो मैं सबसे पहले पीछे जाता हूँ, फिर वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ओके, सो गाइस मैं यहाँ पे गैस स्टेशन पे आ चुका हूँ, क्योंकि इसमें फ्यूल की कमी हो गई थी, तो जहाँ पे मुझे फ्यूल डलवाना पड़ा, लेकिन कोई बात नहीं, जल्दी से ये फिलअप होने वाला है, फिर हम इसकी स्पीड चेक करेंगे। ओके, सो ये यहाँ पे पूरा का पूरा मेरी गाड़ी यहाँ पे फिल हो चुकी है, अब जल्दी से इसकी स्पीड वगैरह चेक करते हैं हाईवे पे ले जाके, क्योंकि हमने अभी तक स्पीड चेक ही नहीं किया हुआ भाई, गाड़ी यहाँ पे बहुत गंदी हो चुकी है, मुझे ये भी साफ करानी है। ओके, सो मैं यहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ गाड़ी को, और गाइस मुझे ये बताना कि इसका ट्रैफिक वगैरह कैसे ऑफ करते हैं, अगर आप लोगों को पता होगा इसमें ट्रैफिक वगैरह अगर ऑफ कर सकते हो तो, और चेक करता हूँ मैं सही लेन पे तो हूँ ना, सही लेन पे नहीं हूँ मैं, उल्टा जा रहा हूँ, तो मुझे बैक करना, वे यार गाड़ियों को भी अभी आना था, वेट मुझे यहाँ से इसको सही लेन पे ले जाना पड़ेगा सबसे पहले,
ओके सो गाइस, मैं यहाँ से इसको स्टार्ट करने वाला हूँ। यहाँ पे हम चेक करेंगे कि इसकी टॉप स्पीड कितनी होने वाली है। आप जरा स्पीडोमीटर पे ध्यान देना और मैं जरा ड्राइविंग फोकस करूँगा, क्योंकि इसकी यार ट्रैफिक बहुत खतरनाक आता है कभी कभार, तो ड्राइविंग पे फोकस करना ही पड़ेगा। और मुझे ये भी कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका ट्रैफिक वगैरह या कैसे ऑफ करते हैं। ओके तो जल्दी से मैं स्टार्ट करता हूँ। 1 2 3 लेट्स गो गाइस। और मैंने चेक किया था कि 350 तक ये आराम से जाती है, तो 350 की हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन 350 से कितना ज़्यादा जाने वाली है वो हमें देखना है अभी। ओके 300 ये जाने वाली है, जैसा कि आप लोग देख ही सकते हो 320 ये जा चुकी है इजीली। 350 भी चली जाएगी बहुत आराम से, 350 भी जा चुकी है। क्या ये 400 जाएगी वो हमें बस चेक करना है, ये 400 जाती है कि नहीं, बस बीच में कोई मोड़ वगैरह ना आए ना। 400 ये जा सकती है मेरे हिसाब से, जिस हिसाब से ये चल रही है। नहीं 475 पर अटक चुकी है गाड़ी, और गाड़ी ठुक भी चुकी है यहाँ पे। भाई हवा में उड़ गई गाड़ी बिल्कुल। ओके गाड़ी का पूरा कचूमर बन चुका है, मुझे गाड़ी धुलवानी पड़ेगी, पूरी गंदी हो चुकी है यहाँ पे गाड़ी। लेकिन ये 470 भाई 480 तक हार्डली जाएगी, क्योंकि 475 पे ये रुक गई थी बिल्कुल। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, अगर आप लोगों के पास ये गाड़ी हो तो आपकी कितनी तक पहुँच ही रही है, क्योंकि V12 इंजन मैंने इसमें लगाया है। और बाकी आप लोग देख ही सकते थे मैंने इसमें क्या क्या लगाया, और आप लोग बताना कि इसकी मैक्स स्पीड कितनी हो सकती है अगर मैं सब कुछ मैक्स करवाऊँ तो। भाई अभी तो खैर फिलहाल बहुत ही ज़्यादा खतरनाक गाड़ी हो चुकी है, क्योंकि 380 तक ये आराम से पहुंच सकते हैं मुझे लगता है, क्योंकि 375 पे भले ही रुकी हो, लेकिन मैं इसको और लंबा अगर रूट होता ना तो 380 तक ये पहुंच जाती। लेकिन भाई देखो मैंने कितना ट्रैफिक लगा दिया यहाँ पे, तो यहाँ से तो पहले गाड़ी को हटा देता हूँ मैं। फिर सामने सुप्रा खड़ी थी, तो सुप्रा एम के फाइव भी खड़ी है यहाँ पे। अरे सो जल्दी से गाड़ी को लेके चलते हैं अपनी सही वाले रूट पे क्या ले जा रहा हूँ, जल्दी से गैराज ही ले चलते हैं। ओके सो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा, आज हमने चेक किया हमारी सुप्रा MK4 की टॉप स्पीड पूरी की पूरी ट्यून करवाने के बाद। और बाकी आप लोगों के पास कोई सजेशन हो कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बता सकते हो। और फाइनली आज हमने खरीद लिया सुप्रा MK4, जो कि आ चुकी है हमारे कलेक्शन में। अब हमारे पास थारो सुप्रा MK4 हो चुकी है, बाकी तो एक डिफॉल्ट गाड़ी जो कि हमें मिलती है गेम शुरू होने पे। हाँ तो इसी के साथ मुझे लगता है कि इस वीडियो को खत्म करने का टाइम आ चुका है। अगर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और पुराने हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। लाइक नहीं करते हो लेकिन वीडियो पूरी देख लेते हो, लाइक करो यार, तभी तो मोटिवेशन मिलता है मुझे और ऐसी वीडियोस बनाने का। तो हाँ वीडियो को लाइक कर देना, और बाकी मेरे जाने का टाइम हो चुका है, जाते जाते बस मैं रहूँगा अभी से भी आप खुशी फैलाते रहिए। राधे राधे गाइस और गुड बाय।